सीन चेक करो आप। मावा होता है इसके अंदर, फ्राई करके मावा डाला है। अच्छा 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 अच्छा। कोरमा सिर्फ चिकन में बनाते हैं? दम पुख्त लगा है। ये कैसे हिसाब होता है इसका? ये सर चेक करें, टेंडरनेस आपको इसी के अंदर ही फील होगी। चलो ये क्रीम लग रही है इस पे, सीन है बहुत फुल हैवी। और अभी लगवाते हैं ऑर्डर हम। अस्सलाम वालेकुम, ये है गिव अवे अनाउंसमेंट। जैसे कि आपको पता है कि हर संडे को जो है हम अपने गिव अवे के विनर्स अनाउंस करते हैं। अगर आपने मेरे गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो आपने करना सिर्फ ये है कि ये वाला कमेंट अपने नाम के साथ और वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है। लाइक और सब्सक्राइबर होना मस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज मैं हूँ हैदराबाद। यहाँ पे हम चीज़ें जो ट्राई करने लगे हैं वो है अकरम बिरयानी और इनका मशहूर कोरमा। और भी जो चीज़ें होंगी वो इसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ ट्राई करने लगे हैं वो है लतीफा बाद में अकरम बिरयानी और कोरमा। इनका बहुत मशहूर है यहाँ पे, उसको ट्राई करेंगे और देखते हैं कैसा टेस्ट है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं भाईजान? क्या क्या है? अच्छा चिकन और बिरयानी। अच्छा चेक करो ना, यहाँ है बिरयानी। ये चिकन बिरयानी है। मुझे चावल होते हैं, मावा होता है इसके अंदर, फ्राई करके मावा डाला है। अच्छा 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 अच्छा। और क्या होता है? चिकन कोरमा होता है। कोरमा सिर्फ चिकन में बनाते हैं? अच्छा एक से डेढ़ बजे तक, सुबह 11 से 1:30 तक। अरे भाई ये जो एरिया है ये लतीफाबाद 11 नंबर है, जो इसकी लोकेशन है ना, फिर वैसे आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। इनके पास बीफ जो है ख़त्म हुआ है, जितनी देर में बीफ आता है उसको हम ट्राई करते हैं, क्योंकि इनकी जो मोस्ट फेमस है वो है बीफ। साथ इधर कोरमा भी है इनके पास, और कोरमे के साथ साथ चिकन में। तो हम सारी चीज़ें ट्राई करेंगे और चेक करते हैं कि कैसा। देख जो है भाई उतरिए यहाँ पे, अभी बीफ ख़त्म हो गया था और ये आ चुका है। बीफ बिरयानी जो अभी तैयार होगी। सीन चेक करो आप। सिटिंग के अलावा यहाँ पे और कोई जगह नहीं है, एक हॉल जो है इनका भी तैयार हो रहा है। हमारा ऑर्डर आ गया, ऑर्डर ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले जो एक चीज़ हमारे पास है, एक कोरमा है और दूसरी है बीफ बिरयानी। इनकी भी बीफ बिरयानी है, लुक सेम है जो एक हमने वो ट्राई की थी यहाँ पे। और कोरमा इंतहा मज़ेदार लग रहा है मुझे। हम दोनों चीज़ें जो है इनकी ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसी है। तो ये जो है अभी साथ उन्होंने रायता दिया हमें, इसके साथ है ये फ्राइड प्याज और रायता, और साथ है ये बीफ बिरयानी। अगर मैं वो लुक बताऊँ ना, इसकी लुक बिल्कुल सेम है वो जो दूसरी हमने बिरयानी खाई थी यहाँ पे। पुलाव की तरह की शक्ल होती है बीफ इनका, इतना नरम। ओए होए 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 होए, कमाल बीफ यकीन मानो, बहुत बहुत ज़्यादा नरम है, बहुत ज़्यादा। इसको मैं अगर खाली ट्राई करता हूँ ना तो ये चेक करो आप। बहुत नरम, ये टेंडरनेस जो है ना, जो जूसीनेस होती है इसके अंदर, वो बहुत लेवल की होती है। बिरयानी ट्राई करते हैं, मेरे होप्स बहुत हाई हो गए हैं इनकी बिरयानी को देख के। ये बीफ के साथ और जो है इनके साथ फ्राइड है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है इसका। जो यूनिकनेस आ रही है ना वो इनके जो है स्पाइसीज को, मैं कहूँगा ही कहूँगा स्पाइसीज के साथ, लेकिन जो माइल्ड इसके स्पाइसीज है, मतलब बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं है,
नॉर्मल के साथ डूबने वाली मिर्च होती है उस तरह कोई भी नहीं। बिरयानी यार बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा भाई जो दूसरी चीज़ है ना इनकी वो है इनका ये कोरमा, और कोरमा ट्राई करते हैं हम। कैसा है नान है साथ, और नान के साथ कोरमा जो है देख के मेरे मुंह में यकीन पानी आ रहा है। पहला कुछ साल जो है हैदराबाद पे ट्राई कर। अकरम का फेमस कोरमा चिकन और साथ कोरमे ग्रेवी। मैं इनकी स्पाइसी का फैन हो गया हूँ। बिल्कुल माइल्ड, ये हल्की सी कहेंगे इसके ना थोड़ी सी रेड चिली की फील आ रही है मुझे, लेकिन जो हर्ब्स का फ्लेवर है ना ये जैसे शादियों में बनता है ना कोरमा, ये रेड इसकी तरी होती है और साथ इसके टेक्सचर जो है ना रेड उस हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। और मैं सारे गेम जो इसकी बात रही है वो बात रही है इसकी ग्रेवी ज़बरदस्त। अगर मैं वो एक्सपीरियंस बताऊँ ना इतने कमाल बिरयानी का, तो इस तरह का टेस्ट है कि आपको कहीं और भी मिल सकता है। यहाँ जैसे हम भी आपने खाया हैदराबाद के अंदर ही है, ओके हैदराबाद के अंदर ही है, तो उस तरह भी आपको इतना टेस्ट मिलता है। लेकिन जो कोरमे की यूनिकनेस है ना वो दही ज़बरदस्त, और टेस्ट जो है इसका जैसे आपको इसके शादियों वाली वाइब मिलती है जो खाना खाते हैं ना, इस तरह का जो इसका कोरमे का फ्लेवर है ना उस तरह से बहुत कमाल की फील है। अच्छा भाई हम आए हैं यहाँ पे बरोही बलोचिस्तान, और इनकी जो फेमस चीज़ें हैं ना वो है इनका दम पुख्त और मल्टीपल चीज़ें जो मलाई बोटी वगैरह हैं, इनकी करते हैं चीज़ें ट्राई और देखते हैं कि कैसा टेस्ट है। इनका जो नाम है ना हैदराबाद में बहुत ज़्यादा है, जब मैं वहाँ से ही चल रहा था तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन आई थी इनके फूड की, और इनकी जो चीज़ें हैं मैं भी आपको चेक करवाता हूँ। दम पुख्त लगा है, ओहो ये कैसे हिसाब होता है इसका? ये सर 3600 रुपये। ये पूरा एक किलो है? हाँ किलो है, किलो। ये एक रान कितने किलो की है सर? एक डेढ़ किलो का भी है, एक किलो का भी है, आधा अच्छा। किलो का भी है, रान भी है, सीना भी है, दस्ती भी है। कौन से सीन है ये? जी जी हाँ। कौन से वाला मजे का है? मजे वाला ये सही है, रान सीना। बरोही स्पेशल कबाब, ये क्या लग रहा है? ये चिकन ग्रिल चरगा है। चिकन ग्रिल चरगा, अच्छा। और ये साथ मलाई बोटी पड़ी है चिकन में, ये भी सारे तैयार हो रहे हैं। ये क्या क्रीम लगा रहे हो साथ इसके? टॉपिंग करते हैं सर रोगन, ब्रो स्पेशल। अच्छा ये क्रीम लग रही है इस पे, कौन सी कढ़ाई है ये? चिकन रेगुलर कढ़ाई है, देसी मुर्गी की। देसी मुर्गी की, कौन सी कढ़ाई लगा रहे हो? ये पिशावरी कढ़ाई, मटन पिशावरी। और कौन सी स्पेशल कढ़ाई है आप लोगों की? स्पेशल तो यही है मटन, मटन स्प्रिंग। अच्छा ये कौन से लग रहे हैं पीस? ये मटन है, ये किलो की रान है। ये चावलों के साथ होती है, दम पुख्त के लिए तैयार कर रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, सीन है बहुत फुल हैवी। और अभी लगवाते हैं ऑर्डर हम। याली चाप, अच्छा चावल के साथ इसकी जरूरत है, अक्सर खाते हैं, कढ़ाई ज्यादा खाते हैं, ठीक है। उसके बाद मटन ब्राउन होता है ड्राई, मटन नमकीन बनता है सीखों के, और कढ़ाई होता है पिशावरी। टाइमिंग मतलब शाम को 7 बजे के सुबह फजर तक चलती है। अच्छा भाई ये जो है हमारी आ गई है मलाई बोटी, और ये मलाई बोटी का सीन इस तरह से है कि आपको नज़र आ रहा होगा ये ऊपर जो है इन्होंने पहले बोटी होती है उसके ऊपर लगाते हैं क्रीम, और उसके ऊपर दोबारा जो इसकी सर्विंग किया है इन्होंने वो उसके ऊपर दोबारा से क्रीम लगाई हुई है।
तो इंतहाई फेमस इनकी बरही वालों की मलाई होती है ये, और जैसे गली में है यार, आए हाय हाय कमाल। इसको करते हैं हम मलाई बोटी बताइए। मलाई बोटी इसमें हल्की सी मसाले की स्पाइसी और इतनी नरम है या इंतहाई कमाल फ्लेवर है इसका, बहुत ज़्यादा लेवल की। और जिस तरह से टूट रही है ना ये इतनी लाइट है कि आप बंदा ना पूरी की पूरी एक सीख खा सकते हैं। जो अगली जो इनकी चीज़ है ना वो है ये कबाब, और कबाब की लुक भी मुझे उस तरह से लग रही है जो क्रीम वाली लुक है। इसमें जो है इन्होंने इसके ऊपर जो भी क्रीम डाली हुई है, और जो इसके बॉटम के ऊपर है ना जो रोगनी नान हम खाते हैं वो वाली चीज़ जो है रोगन वो लगाया है। क्रीम यहाँ से क्रीम में डोबा हुआ ये ब्रोही स्पेशल ये उससे भी ज़्यादा कमाल कबाब। और जो इसको टेस्ट आ रहा है ना तहला जवाब, इसमें जो है हल्की सी जो है हर्ब्स आपको फील होंगी ग्रीन चिली की, जिसका जो है टेस्ट बहुत इसको इन्हेंस कर रहा है। मेन आइटम जो है ना हमारा दम पुख्त आ गया, उसको करते हैं ट्राई। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनके दम पुख्त खाने के लिए, और दम पुख्त ये वह चीज़ है जिसकी अभी तक जो है हमने वीडियो भी नहीं बनाई। पहले डालते हैं इसमें लीमू। ऊपर अगर मैं आपको इसे प्रेजेंटेशन दिखाऊँ ना, इन्होंने कोई मसाला जो है अपना डाला है यहाँ पे, फील हो रहा है मुझे। चेक करते हैं ये कैसा है। चेक करें टेंडरनेस आपको इसी के अंदर ही फील होगी। ये इसके मैं नीचे से निकाले जूसीनेस चेक करो। ओह कमाल, इसके टेक्सचर से ही आपको मीट इस तरह की वाइब देता है कि ओह हो मेरा रगड़ दे इसको। इसको राइस के साथ खाते हैं हम। अगर ये है राइस और ये इसको ट्राई करेंगे भाई, राइस और ये मटन। लाजवाब टेस्ट, जो मीट है उसका अपना फ्लेवर आ रहा है, और जो राइस है ना उसकी अपनी एक वाइब आपको ना फील होती है। इस तरह से चावल बिल्कुल अलग अलग हुआ है इनके दम पुख्त के साथ, इनके मीट के साथ अगर आप इसको खा रहे हो ना तो जो है इसकी वाइब ही आपको डिफरेंट मिलेगी। ये है इनके मसाले वाला पोर्शन, ये मसाला है इसकी सारी मैरिनेशन और ये राइस।